पृथ्वी पर थी फेंकता निष्क्रमण झड़प दल पर आधारित है, तो निष्क्रमण झड़प नु सूत्र बोलो रूट टू जी एम ई अपोन आर। एनो मतलब थयो के ए तो ग्रहना दल पर आधारित है, पदार्थ दल पर तो आधारित है ज नहीं, जेम हमणा पेलू टी स्क्वेर कक्षीय झड़प नु सूत्र टी स्क्वेर वालू जोयु तो एमो एम क्यों आवतो तो ग्रह नो आवतो तो हाँ तो एमो पदार्थ नो तो आवतो, सेम कंडीशन छे, तो पदार्थ दल पर आधारित छे तो नहीं आवे, पदार्थ दल पर आधारित नहीं आवशे। ओके बीजामां शुं कह्युं, ज्यांथी फेंकवामां आव्यो स्थान पर आधारित छे, तो एवा कोई स्थान पर पण डिपेंड नहीं होय, तो जे जग्याए फेंक्यो होय एवा कोई स्थान पर अक्षांश रेखांशना उपर डिपेंड नथी, पण आवा अमुक वस्तु कही छे जे ते स्थितिमानना अक्षांश पर आधारित छे, कारण के एक पर्टिक्युलर पॉइंटना आधारे नक्की थाय छे, पण बाकी जे स्थान कीधुं छे ने एनो कोई मतलब नथी। बराबर, हवे सी ऑप्शनमां कह्युं छे प्रक्षिप पदार्थ करवा मतलब गति करवानी दिशा पर आधारित छे, तो तमे एक सिंपल विचार करशो, धारो के आ पदार्थने अहींथी फेंकीए तो आम फेंकू, अहींथी आम फेंकी दऊं तो अने एक जगह ऊपर आम फेंकू तो अनंत अंतरे बधा जशे, पछी आ नहीं जाए, कोई ना आम फेंक्यो होय तो अनंत अंतरे जशे के नहीं जाए, अनंत अंतरे जवानी प्रोसेस कई छे तमे कदाच जोयुं होय तो कोई अवकाशयान कई रीते जाय छे, भाई आ रीते जाय छे, तमने याद होय तो रॉकेट ज्यारे अर्थ उपरथी निकळे पछी आम आम भ्रमण करतु 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 शुं थाय छे આગળ જાય છે, હા તો એનો મતલબ થયો કે આવી રીતે જાય, એને કોઈ દિશા સાથે લેવા દેવા નથી, ગમે તે ડાયરેક્શનમાં ફેંકો હોય ધીરે રહીને પાછું હતું એમના એમ થઈ જશે, એટલે કોઈ દિશા સાથે લેવા દેવા નથી। નેક્સ્ટ શું કહ્યું છે, ફેંકવાના સ્થાનની ઊંચાઈ પર આધારિત છે, તો ઊંચાઈ પર આધારિત છે કારણ કે આર બરાબર આર ઈ પ્લસ એસ થાય, તો ઊંચાઈ ઉપર ડિપેન્ડ થઈ જશે, એટલા માટે આવશે, હા એ ઊંચાઈ ઉપર ડિપેન્ડ થશે। બોલો હવે સમજ આવી આમાં, શું કહ્યું છે ગ્રહના દળ પર પદાર્થના દળ પર આધારિત છે, નહીં હોય ગ્રહના દળ પર આધારિત છે, બીજું સ્થાન પર નહીં હોય દિશા કોઈ આધાર નહીં રાખે, પણ જે તે ઊંચાઈ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ।